हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट सेकंड रीज़न, है ना, यानी कि रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में तीन रीज़न है। फर्स्ट रीज़न, थर्ड रीज़न के लिए हम कैलकुलेट कर चुके थे कि क्या फंक्शन होगा, है ना, सॉल्यूशन क्या होगा। और सेकंड रीज़न के लिए हम लोगों ने कल किया था, और ये तीनों के लिए, जिसमें फर्स्ट रीज़न, सेकंड रीज़न, थर्ड रीज़न, ये इंसिडेंट के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, इसमें इंसिडेंट का होगा, रिफ्लेक्शन का कोई पार्ट नहीं होगा, और बाकी ये किसका है, ट्रांसमिशन वाला है। ठीक है, ठीक है भाई, आ जाओ। अब इसमें अपन ने क्या किया था, अच्छा ये स्टार्ट कर दिया था, ए बी सी एफ और जी जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसमें मैंने बाउंड्री कंडीशन बता दी थी आपको कि जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है उसमें आपका क्या होगा, इस तरीके से आपका रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है, तो फर्स्ट रीज़न, सेकंड रीज़न, थर्ड रीज़न, ये बाउंड्री एक्स इज इक्वल टू जीरो की, जिसपे फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। फिर ये है एक्स इज इक्वल टू ए की, तो इस पर सेकंड और थर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर मैंने पहली बाउंड्री कंडीशन क्या लगाई कि साई फर्स्ट इज इक्वल टू साई सेकंड होगा। ठीक है, फिर उससे हमने ये इक्वेशन निकाली एट। फिर हमने क्या किया, अगर ये इक्वल होंगे तो उनके डेरिवेटिव्स भी क्या होंगे, कैसे कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। फिर हमने किस पर लगाई, एक्स इज इक्वल टू ए पर, सेकंड और थर्ड को इक्वल लगाना था। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन मैं लिख देती हूँ, इक्वेशन सेकंड, साई सेकंड और साई थर्ड, साई सेकंड कितना है ये रहा, तो इससे अपन को इक्वेशन क्या मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी अपन को, अच्छा ध्यान रखना एक्स बराबर जीरो नहीं रखना, एक्स बराबर ए रखना है। तो क्या आएगा, एफ ई की पावर कितना, अल्फा ए है ना, प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए इज इक्वल टू थर्ड के साथ, यानी कि सी ई की पावर जे के ए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अगर आप लोगों को जे में दिक्कत आ रही है ना, तो आप आयोटा रख लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है वो अलग, देखो जितनी बुक्स में पढ़ोगे आप, आपको इंडिकेशंस अलग अलग मिलेंगे, कोई इशू नहीं है। आपकी जो रिसेंटली जो बुक चल रही है ना फिलहाल, उसमें जे से इंडिकेट किया हुआ है, इसलिए मैंने भी जे से दिखा दिया, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। आप अगर जे के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो आप आयोटा कर सकते हो। ठीक है, ये लो मैं भी कर देती हूँ सब जगह पर। अब अपन आगे पूरा डेरिवेशन आयोटा में ही चलाएंगे। ठीक है, जिसको करना है कर देना, नहीं करना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जे से कंफर्टेबल हो जे रहने दो, आयोटा से कंफर्टेबल हो आयोटा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ना बस इतना ध्यान रखना है, चाहे आई रखो चाहे जे रखो, दोनों की वैल्यू इमेजिनरी है, यानी कि रूट माइनस वन है, इतना ध्यान रखो आप तो बस। ठीक है भाई, अच्छा ये हो गया, ये इसको इक्वेशन को डाल दिया मैंने नंबर 10, समझ में आ गई, यानी कि एफ ई की पावर एल्फा है, जी ई की पावर माइनस एल्फा है, और सी ई की पावर आयोटा के। ठीक है, अच्छा अब डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा अपन को, और उसमें डिफरेंशिएट करके x बराबर a रखना है। यहाँ पे x बराबर जीरो रखा था, यहाँ x बराबर a रखेंगे, तो सेकंड को डिफरेंशिएट करो और उसमें x बराबर a रखो, तो क्या इक्वेशन मिलेगी, ये रही हमारे पास साई सेकंड। ठीक है, डिफरेंशिएट करो तो ज़रा क्या आएगा, अल्फा डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा आगे आ जाएगा, है ना, फिर f e की पावर अल्फा x आएगा, तो उसमें अल्फा a रख दिया मैंने, फिर माइनस अल्फा, फिर कितना आएगा, जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, एक्स की जगह पर ए रख दिया। थर्ड पर आ जाओ तो कितना आएगा, आयोटा के है ना, सी ई की पावर आयोटा के ए, समझ में आ गई, अल्फा निकाल लो यहाँ से, तो अंदर कितना आएगा, एफ ई की पावर अल्फा ए, ठीक है, और माइनस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए, ठीक है, और इधर कितना आएगा आपका, ये ऐसे का ऐसा चलेगा, सी ई की पावर आयोटा के ए, समझ में आ गई बात। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 11 तक, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, सिंपली बाउंड्री कंडीशन रखी है, पहले रखा है इस वाली बाउंड्री पर दो कंडीशन, एक तो ये और एक ये, फिर x बराबर a पर दो कंडीशन रखी है, एक ये और एक ये, समझ में आ गई। उससे इस तरीके से चार बाउंड्री कंडीशन लगाई है हमने कंटिन्यूसली, जिससे इक्वेशंस मिली है 8, 9, 10 और 11, बात समझ में आ गई। अब आगे का डेरिवेशन थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा आएगा और कैलकुलेशन बुक में भी नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना, कैलकुलेशन तो सिंपल है लेकिन थोड़ा उसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए बाकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो सिंपल ही चलेगी। ठीक है, तो क्या क्या मिल गई इक्वेशन, 8, 9, 10 और 11। तो सबसे पहले आप क्या करो कि इक्वेशन नंबर आपकी ये जो मिली है ना, ये दो इक्वेशन कौन कौन सी, 11 और 10, है ना, तो मैं इक्वेशन 11 में किससे डिवाइड कर रही हूँ, 10 से डिवाइड कर, ठीक है, क्या कर रही हूँ, 11 को डिवाइड करो किससे, 10 से,
ठीक है, यानी कि क्या मिलेगा आपको 11 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो, देखो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है, ठीक है, तो क्या मिलेगा, अल्फा एफ ई की पावर इसको इससे, ठीक है, देखो एफ ई की पावर अल्फा ए माइनस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए, है ना, अपॉन एफ ई की पावर अल्फा ए प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए इज इक्वल टू आर एच एस, क्या मिलेगा, आयोटा के सी ई की पावर आयोटा के ए अपॉन सी ई की पावर आयोटा के ए, सही बात है ये, ठीक है। अब मैं इसको हटा देती हूँ, अब देखो तो ज़रा ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, सी ई की पावर आयोटा के ए से सी ई की पावर आयोटा ए कैंसिल हो गया, क्या मिल गया मुझे, मुझे मिल गया आयोटा के इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है, और क्या मिल गया, एफ ई की पावर अल्फा ए माइनस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए अपॉन एफ ई की पावर अल्फा ए प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए, ठीक है। आप एक काम करो, यहाँ से ना क्या कॉमन निकाल लो, आप ना यहाँ से आप यहाँ से एफ कॉमन निकाल लो, ठीक है, एफ कॉमन निकाल लो और साथ में ई की पावर अल्फा ए भी कॉमन निकाल लो। तो क्या क्या कॉमन निकाल रही हूँ मैं, अल्फा तो है ही पहले से, एफ ई की पावर अल्फा ए को मैंने कॉमन निकाल लिया, ऊपर से भी यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू कॉमन लेनी है ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो पहले ऊपर क्या बचेगा, वन माइनस जी अपॉन एफ ई की पावर माइनस अल्फा ए, ये बचेगा। नीचे क्या करो, नीचे भी एफ ई की पावर अल्फा ए कॉमन निकाल लो, तो वन प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए जी अपॉन एफ, ठीक है। अब ये एफ ई की पावर अल्फा ए इस एफ ई की पावर अल्फा ए से कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने इक्वल टर्म कॉमन ली थी ऊपर नीचे, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये अल्फा ना इसके नीचे ले आओ, आयोटा के अपॉन अल्फा वन माइनस जी अपॉन एफ ई की पावर माइनस अल्फा ए अपॉन वन प्लस जी अपॉन एफ ई की पावर माइनस अल्फा ए। मैं क्या चाहती हूँ, मैं जी अपॉन एफ की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, इसीलिए ये तामझाम कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो पूरा मोटिव क्या है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपको जी अपॉन एफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकालो ज़रा, जी अपॉन एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इधर नहीं इधर ही आओ, आयोटा के है ना अपॉन अल्फा वन प्लस जी अपॉन एफ ई की पावर माइनस अल्फा ए और वन माइनस जी अपॉन एफ ई की पावर माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्या करो, आप जी अपॉन एफ वाली टर्म्स को एक जगह ले लो, जिन जिन में जी अपॉन एफ आ रहा है, तो जी अपॉन एफ ई की पावर माइनस अल्फा ए और जी अपॉन एफ ई की पावर, अच्छा एक चीज़ एक मिनट, जब हमने ई की पावर अल्फा ए कॉमन लिया तो यहाँ पे टू अल्फा ए आएगा ना, अरे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, टू आएगा ये, ठीक है, क्योंकि अल्फा ए भी तो कॉमन ले लिया ना हमने, तो ये टू आएगा, ठीक है। चलो अब क्या कॉमन ले लो, ई जी अपॉन एफ वाली टर्म और ई की पावर माइनस टू अल्फा ए अपन वाली टर्म्स को एक जगह ले लो, तो मैंने जी अपॉन एफ ई की पावर माइनस टू अल्फा ए ले लेना है बाहर, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा आयोटा के अपॉन अल्फा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, है ना, और इधर से प्लस वन, ठीक है। इधर देखो ये वन बचेगा इधर, और ये आयोटा के अपॉन अल्फा वन से मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा, यानी कि माइनस आयोटा के अपॉन अल्फा, ठीक है। अब आ जाओ आप, मुझे चाहिए जी अपॉन एफ, इसको इसके नीचे उठा लाओ, ठीक है, तो जी अपॉन एफ आ गया मेरे पास, अल्फा माइनस आयोटा के अपॉन अल्फा प्लस आयोटा के ई की पावर टू अल्फा, आ गया नहीं आ गया, इधर ले आई मैं, इसके नीचे बटे में आएगा ये, ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने, अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अभी एक काम और है इसमें, आप क्या करो, ऊपर से क्या कॉमन ले लो, माइनस आयोटा कॉमन लो ऊपर से, न्यूमरेटर में से माइनस आयोटा कॉमन लो, तो क्या आएगा, क्या ये नहीं आएगा क्या, के प्लस आयोटा अल्फा, और नीचे से भी क्या कॉमन लो, माइनस नीचे से आयोटा कॉमन लो, ठीक है, तो कितना आएगा, के माइनस आयोटा अल्फा आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ऊपर से माइनस आयोटा कॉमन लिया, नीचे से आयोटा कॉमन लिया, एक बार चेक करो, इस आयोटा को अंदर लेके जाऊंगी तो माइनस आयोटा के आएगा, और देखो आयोटा आयोटा माइनस वन और ये माइनस प्लस वन, तो अल्फा तो प्लस का ही है, ठीक है, सही है, ई की पावर टू अल्फा ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जी अपॉन एफ की वैल्यू क्या मिल गई,
जी अपॉन एफ मिल गया, माइनस के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा ई की पावर 2 अल्फा ए। तो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद फिर मुझे ये वैल्यू मिली है और बुक में ये डायरेक्ट दे रखी है। ठीक है भाई, तो बाकी देखो कैलकुलेटिव पार्ट आपके हाथ में, हो सकता है कोई बच्चा इस कैलकुलेशन को और 2 स्टेप में कर दे, ठीक है, क्योंकि मुझे तो एक एक समझाना है आपको, आप हो सकता है और भी कम में करो, ठीक है। तो तरीके हो सकते हैं अपने अपने डिफरेंट, बस मैंने आपको क्या बताया, ये इक्वेशन आती है, मैंने आपको क्या कहा कि मुझे जी अपॉन एफ चाहिए, अब आप लगाओ साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा कर जी अपॉन एफ निकालो, बेसिकली ये मतलब है मेरा, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू, इसको मैं नंबर डाल रही हूँ कितना, 12, इक्वेशन नंबर 12, सही बात है। चलो अब क्या करना है हमें, देखो मैंने क्या किया 11 में 10 से डिवाइड किया था, ठीक है, और फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाली है जी अपॉन एफ की, किसको 11 में 10 से डिवाइड करके। अब आपको क्या करना है भाई, 10 और 11 का यूज़ तो हो गया, अब 8 और 9 का यूज़ भी करना है, तो इक्वेशन 8 और 9 को सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, पहले ए की वैल्यू निकालो, ठीक है, और फिर बी की वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगी, एक बार दोनों को जोड़ोगे एक बार घटाओगे सॉल्व करोगे, तो पहले ए की निकलेगी फिर बी की, जो भी मर्जी है आपकी, फिर जो इक्वेशन मिलेंगी उससे आपको बी अपॉन ए निकालना है। तो पहले तो जी अपॉन एफ निकल गया इन दोनों से, अब बी अपॉन ए निकलेगा इन दोनों से, समझ में आ गई बात आपको। तो ध्यान से देखो, कैलकुलेटिव पार्ट है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा होता है, कैलकुलेशन इजी है क्योंकि हम कभी कभी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चीज़ें सिंपल हैं और फिर वो दिक्कत क्रिएट करती हैं, ठीक है। चलो सॉल्विंग इक्वेशन 8 एंड 9, ठीक है, तो मैं दोनों इक्वेशन लिख लेती हूँ पहले, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एक बार आप जोड़ो एक बार आप घटाओ, तो पहले मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है बेसिकली कि मुझे ना बी काटना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस इक्वेशन को कम्प्लीटली किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, आयोटा अल्फा से पूरे को, तो फिर मैं ऐड कर दूँ, है ना, उससे क्या होगा आयोटा अल्फा हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इन दोनों से भी और इन दोनों से भी, तो आयोटा अल्फा बी प्लस का और आयोटा अल्फा बी माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा आयोटा अल्फा कॉमन, है ना, और सॉरी 2 आयोटा अल्फा ए, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इधर से क्या मिलेगा मुझे बताओ, आयोटा अल्फा, ये दोनों ऐड होंगे ना, कौन कौन एफ वाली टर्म्स को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ वाली टर्म्स को ऐड करो, अच्छा एक मिनट, ये ना आयोटा के है, ठीक है, तभी मैं सोचूं के कहाँ गायब हो गया, के है ये, ठीक है, तो इस इक्वेशन को आयोटा के से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम ऊपर नीचे, ठीक है, तो इधर आएगा आयोटा के, ठीक है, आयोटा के, तो ये दोनों प्लस हो गए और ये बी वाले कट गए दोनों, इधर क्या आएगा देखो, आयोटा के एफ प्लस अल्फा एफ, आयोटा के एफ प्लस अल्फा एफ, एफ कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, आयोटा के प्लस अल्फा इंटू एफ, ये बचेगा, इधर देखो इधर क्या आएगा, आयोटा के माइनस अल्फा इंटू जी, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए ए की वैल्यू, है ना, या 2a रख लो यहाँ पे, 2a की वैल्यू चाहिए, तो ये आयोटा के उतर के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, आयोटा के पूरे से डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस अल्फा अपॉन आयोटा के इंटू एफ प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन आयोटा के इंटू जी। अब हम तो जानते हैं ना कि कभी भी आयोटा नीचे अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इन दोनों टर्म को ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एडजस्ट करो, तो क्या होगा, 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू एफ, यही आएगा ना, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के बराबर होता है, पता है ना ये, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा आयोटा अपॉन के इंटू जी, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर कौन सी 12 तक तो हो गई, ये 13 हो गई। अब जैसे हमने यहाँ तो किया है ऐड, अब करोगे आप इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये पार्ट कट जाएगा ए वाला, आपके पास कौन सा बचेगा, बी वाला पार्ट, ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग,
और वो आप खुद करेंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, 2b की, और कितनी मिलेगी वो मैं बता देती हूँ, वो मिलेगी 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू एफ 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू जी। मतलब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या फ़र्क है, ए से तो ये बी हो गया, ठीक है, माइनस से ये प्लस हो गया और प्लस से ये माइनस हो गया, इतना ही फ़र्क है। बाकी आप सॉल्व करना पूरा सब्ट्रैक्ट करके इसको, और ये आनी चाहिए आपके पास, समझ में आ गई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 14। अब आपको पता है क्या करना है, आप करके रखना ये वाला स्टेप, इक्वेशन 14 में आप डिवाइड करोगे आप 13 से, ठीक है, जिससे आपको क्या मिलेगा, बी अपॉन ए, इधर तो बी अपॉन ए मिलेगा, इधर आप इस पूरी इक्वेशन में इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड करोगे, ठीक है, फिर आप उस इक्वेशन में जी अपॉन एफ बनाओ। वो कैसे बनेगा, एफ कॉमन लेके, ऊपर नीचे एफ कॉमन लो, जी अपॉन एफ बनाओ, फिर हमने ये जो जी अपॉन एफ की वैल्यू निकाली है ना इक्वेशन 12 में, वो रखनी है वहाँ पर। आई होप मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, रिप्ले करो इसको और सुनो वापस से, ठीक है, उतना काम करके रखो आप, जी अपॉन एफ तक की वैल्यू लगा कर इसमें रखो, फिर मैं कराऊंगी आगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।